राम राम भाई सारा ने एक बार फिर से मंजीत एकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम हरियाणा की प्रमुख खबरें लिख के 26 अप्रैल 2024 की, चलो अब शुरुआत करते हैं। अब जमेगा चुनावी रंग, भाजपा के बाद कांग्रेस के भी 8 प्रत्याशी मैदान में, देखे किसके सामने कौन। नए मुकाबले में पुरानी मोहरों पर दाव, दीपेंद्र 5वीं बार लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। कांग्रेस ने जारी की सूची, चौंकाने वाले नाम आए सामने, ब्रजेंद्र को नहीं मिला टिकट। बाड़ा में कांग्रेस की खोई ताकत लौटाने को मैदान में उतरे वरुण, टिकट मिलने पर कांग्रेस भी एक दिखाई दी। कांग्रेस के राव पर दाव से रोमांच हुआ, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट का मुकाबला। हरियाणा के पूर्व सीएम के सामने कांग्रेस ने उतारा युवा चेहरा, दिव्यांशु बुद्धिराज को दिया टिकट। जयप्रकाश हिसार से लोकसभा क्षेत्र से 8वीं बार मैदान में, पहली बार रंजीत सिंह से होगा मुकाबला। 26 साल बाद फिर से शैलजा की सिरसा संसदीय सीट पर हुई वापसी, चारों प्रमुख पार्टियों के उम्मीदवार घोषित। टिटोली व सिसरौली में भाजपा प्रत्याशी से पूछे सवाल, आयोजक व किसानों के बीच हाथापाई। पूर्व पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने दिए सियासी संकेत, एक्स पर शायराना अंदाज में डाली पोस्ट। निजी स्कूल प्रशासन की शराबी वैन चालक पर कार्रवाई, पहली क्लास के छात्र के पिता ने लगाया था आरोप। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार 30 अप्रैल को दादरी आएंगे नायब सिंह सैनी, मनीष ग्रोवर। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी ने कमांडर सुनील शर्मा को बनाया प्रत्याशी। लोकतंत्र के उत्सव का दूसरा चरण आज, 15.8 करोड़ वोटर 13 राज्यों की 88 सीटों पर करेंगे मतदान। सीएम मान बोले, पहले चरण में भाजपा को मात्र 25 से 30 सीट आ रही हैं, 400 पार का नारा अब बंद हो गया। हरियाणा में 41.2 डिग्री पहुंचा पारा, बचाव के लिए सरकार ने तैयारियां तेज की। वेदांत सैनी ने जेई मेंस में किया चंडीगढ़ में टॉप, 100 पैरासिटाइल के साथ पाई ऑल इंडिया 26वीं रैंक। हरियाणा की सियासी जमीन से फिसलता रहा थी, 4 दशक में बना पार्टी का सिर्फ एक सांसद। मतदाता सूची में नाम शामिल कराने को आज अंतिम दिन, दिल्ली में फिर नहीं होंगे आवेदन स्वीकार। दिल्ली में आज आंधी बारिश का अंदेशा, येलो अलर्ट जारी, 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी धूल भरी हवाएं। डिजिटल प्रचार में भाजपा सबसे आगे, आपका अभियान गीत लॉन्च, युवा कांग्रेस ने शुरू की मुहिम। कांग्रेस ने दिल्ली में सभी सीटों पर जीत के लिए तैयार की रणनीति, आपका भी मिला साथ। आपका आरोप परंपरा तोड़ रहे हैं एलजी, चंडीगढ़ महापौर चुनाव जैसी साजिश की जताई आशंका। आरसीबी की 35 रनों से जीत फ्लोप रहा सनराइज का, बल्लेबाजी क्रम, गेंदबाजों का बरसा कहर। पॉइंट टेबल में राजस्थान सबसे ऊपर, आरसीबी सबसे नीचे। तो ये थी कुछ प्रमुख खबरें जो हम आपके लिए लेके आए थे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से जरूर करें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ रहे।